साथ शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। जी कामेश्वर, शिमला के जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है, वहीं स्वामी चक्रपाणी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जो है इस ड्रेस कोड को लागू किया जाएगा। लोग इस फैसले को इसको जो है किस तरह से देख रहे हैं? यदि शिमला की बात की जाए, जिस तरीके से यह फैसला आया कि जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू होगा, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और खासकर जो लोगों से बात की है, सभी का कहना है कि ये अच्छी बात है। खासकर हिंदू धर्म में जिस तरीके से आज की डेट में लगातार लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, कहीं ना तो कहीं इससे कहीं ना तो कहीं सही नहीं रहता है। और जिस तरीके से चक्रमंडी ने भी कहा कि हिंदू महासभा गुरु पूर्णिमा से यह ड्रेस कोड शुरू करेगा। खासकर पंडित ने भी जैन मंदिर ने कहा है कि जैसे कि हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमुंडा और कटी जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं रहेगी, और जो लोग इसका पालन नहीं करेगा उन्हें मंदिर में आने की प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान सभी लोग इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। और इससे पहले भी यदि बात की जाए, धर्मशाला में भी इसे लागू किया गया था, जिसमें एक मंदिर ने पहले ही कहा था कि हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमुंडा और कटी जीन्स पहनकर आए, जो कि कांगड़ा के मशहूर मंदिर है, जिसमें यह आदेश पहले ही लागू कर दिए गए। और पूर्णिमा के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में भी अधिकांश लोग कह रहे हैं कि हर मंदिर में यह प्रथा लागू होनी चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रह सके। जी कामेश्वर, तो लोगों का जो है तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, मिला जुला सा रुझान जो है लोगों का मिल रहा है। लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि क्या कपड़ों से संस्कृति को बचाया जा सकता है, क्योंकि कपड़ों से किसी को जज करना, क्योंकि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ श्रद्धा मायने रखती है, कपड़े नहीं। तो लोगों का भी एक तरह जो है, जिन लड़कियों के हमने बयान सुनाए उन्होंने भी यही साफ कहा कि लड़कियों के कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल मैम, इसमें दोनों तरफ के पक्ष आ रहे हैं, पर अधिकांश लोगों का कहना यही है कि जो प्रॉपर ढंग से कपड़े पहन कर आए, खासकर जैसे तरीके से फटी जीन्स या हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमुंडा ना पहने, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इससे जज नहीं किया जा सकता है कि हम मंदिर आ सकते हैं। तो इसमें अभी जो अधिकांश लोगों का जो समर्थन है वो यही है कि आदमी पूरे ड्रेसअप के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें ताकि हमारी संस्कृति बची रह सके। तो जैन मंदिर में क्या ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है ये, या फिर अभी इसे लागू किया जाएगा? इसे लागू किया जाएगा मैं लगभग हिंदू महासभा के गुरु पूर्णिमा के बाद इसे लागू किया जाएगा। और खासकर अभी जो बाहर पट्टिका लगाई गई है उसमें अभी से ही आदेश लिख दिए गए हैं कि जो प्रॉपर ड्रेस से नहीं